हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रीमा है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सेम की सब्जी। तो आइए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले सेम की फलियों को काट लेंगे। हमारी सेम बिल्कुल कट गई है। अब आलू को छील के आलू भी काट लेंगे इसके अंदर। तो हमारे आलू छील चुके हैं, अब इन्हें काट लेंगे। तो हमारे आलू भी कट चुके हैं। अब इसमें पानी डाल के रख देंगे। अब हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट लेंगे सब्जी छोंकने के लिए। हमारे वेजिटेबल कट चुके हैं, अब सब्जी छोंकने की तैयारी करेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में, उसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्ची, प्याज, फिर हमारे प्याज अगर जब ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे अपनी। वेजिटेबल के ऊपर फिर टमाटर डालेंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इसमें वेजिटेबल डाल रहे हैं हम। दो चम्मच नमक डालेंगे हम। नमक पहले ही डाल देंगे ताकि टमाटर और सब्जियां थोड़ी सी गल जाए नमक की वजह से। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद इसको हटा के ढक्कन को देखेंगे। अभी पानी है इसके अंदर, तो 5 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे इसको। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, नमक दोबारा नहीं डालेंगे हम इसमें। इन सभी को मिक्स करके अच्छी तरह से ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए फिर से, ताकि मसाला पक जाए। अब थोड़ा तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी सब्जी तैयार है बनके, सब मसाला पक चुका है, इसे अब सर्व कर देंगे हम। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।